नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। ये नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। म्यांमार सीमा पर भारतीय सेना का बड़ा ऑपरेशन, कई नागा उग्रवादियों को मार गिराने का दावा। भाजपा नेता यशवंत सिन्हा का नरेंद्र मोदी पर हमला, सरकार सभी को गरीब बनाने पर तुली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, BHU में हुई घटना साजिश का परिणाम। गुजरात में राहुल गांधी ने फिर मोदी पर हमला बोला, कहा विकास पागल हो गया, इलाज की जरूरत है। गोरखालैंड की मांग को लेकर दार्जिलिंग में 105 दिन के बंद के बाद स्थिति अब सामान्य। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, पर्यटन के विकास के लिए स्वच्छता अनिवार्य। कमलनाथ ने कहा, मेरा लक्ष्य मुख्यमंत्री पद नहीं, ज्योतिरादित्य को बनना चाहिए मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। राजस्थान के धौलपुर जिले में कैला देवी जा रहे श्रद्धालुओं पर बोलेरो चढ़ी, 9 लोगों की मौत। अमेरिका ने 8 उत्तर कोरियाई बैंकों और 26 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेताया, उत्तर कोरिया के लिए सैन्य विकल्प तबाही लाने वाला होगा। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री रब्बानी ने संयुक्त राष्ट्र में कहा, पाकिस्तान लगातार दे रहा है आतंकवाद को प्रश्रय। ये थी आज की खास खबरें, और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।